दोस्तों आपने बिल्कुल थंबनेल सही देखकर दोस्तों क्लिक किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जी दोस्तों, बिहार पंचायती चुनाव जो है दोस्तों 15 दिसंबर तक चलने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दोस्तों, बिहार राज्य में जितने भी दोस्त मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए मैं जानकारी लेकर आया दोस्तों। वे सभी दोस्त वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों। यदि आप मुखिया के चुनाव में खड़े हैं या मुखिया पद से जीत चुके हैं दोस्तों, या मुखिया पद के लिए आप नामांकन कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपके लिए खुशियों का खबर लाया हूँ दोस्तों। आप जरूर इस बात को सुनिए और ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पछतावा ना हो दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखने का प्रयास करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्त भी देख पाए। ठीक दोस्तों, चलिए तो बता दूं आपको कि मुखिया का पद आखिरकार आप क्यों लड़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, कुछ भी पद दोस्तों खर्चीला हो गया है। ज़्यादा मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रेजेंट टाइम का जो चुनाव चल रहा है दोस्तों, मुखिया हो, वार्ड हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो दोस्तों, ये सब खर्चीले हो गए हैं दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों, मुखिया पद के लिए लगभग में लगभग दोस्तों लोग 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 20 से 25 लाख, 25 से 30 लाख, 50 लाख तक खर्च कर दे रहे हैं दोस्तों मुखिया पद के लिए। जब तो कोई मुखिया में खड़ा है दोस्तों, आखिर में वो 50 लाख 60 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहा है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, इसलिए खर्च कर रहा है दोस्तों कि वो चाहता है कि मैं जीत जाऊं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप जीत गए हैं या जीतने वाले हैं या आप खड़े हैं दोस्तों, तो किसी भी हालत में इस बार 2021 में एकदम जीत जाइए। हम तो कहेंगे जीत जाएंगे, समझ लीजिए कि आप एकदम माला माल हो जाएंगे दोस्तों। मैं तरीका बताऊँगा दोस्तों किस प्रकार से आप जो है ज़्यादा मात्रा में पैसों की कमाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुखिया पद के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के द्वारा मैं आपको जानकारी देते रहा हूं दोस्तों कि मुखिया, वार्ड, सचिव आदि के बारे में दोस्तों, सभी पदों के बारे में मैंने जानकारी दे दिया दोस्तों। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में कोरोना आया था दोस्तों, 2020 में भी रहा दोस्तों, 2021 में भी रहा दोस्तों। ये 3 वर्षों में दोस्तों सही सही जो है फंड में काम मुखिया को नहीं आ पाया है। चाहे गली हो, नली हो दोस्तों, नहर हो, कुआं हो, तालाब हो दोस्तों, कोई भी काम जो है मुखिया के हक में सही ढंग से नहीं आया है दोस्तों। तो हमारे नीतीश कुमार जी का फैसला है कि जो भी काम 2019, 2020, 2021 तक रुक गए हैं दोस्तों, वह फंड जो है 2022 नए साल के शुभ अवसर पर दोस्तों मार्च महीने एकदम जी दोस्तों मार्च महीने से नए फंड, नए काम जो है मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे काम बचे हुए हैं दोस्तों। जैसे ही 2022 आता है दोस्तों, जनवरी में आपका शपथ होगा दोस्तों। शपथ के बाद समझ लीजिए कि आपका माला माल जी दोस्तों, आप माला माल हो सकते हैं, आप पैसों की कमाई ज़्यादा मात्रा में करोड़ों रुपया कर सकते हैं। मैं आपको बता दोस्तों, एक मुखिया का चुनाव लड़ने में दोस्तों लगभग में 20 से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख दोस्तों खर्च हो जा रहे हैं। जनता को लुभावना देकर दोस्तों, जनता को लोभित करके लोग जीत रहे हैं दोस्तों। ठीक है, खर्चीला हो गया चुनाव दोस्तों। ठीक है, चलिए, जो व्यक्ति 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करता है, वह क्यों नहीं करोड़ रुपया कमाई कर सकता है? इसलिए खर्च कर सकता है कि हम जीत जाएंगे तो आराम से जो है इसका तिगुना चौगुना जो है कमाई कर सकते हैं। 2021 के बारे में कोई नहीं बताया दोस्तों कौन कौन सा फंड आया, कौन कौन सा नहीं आया। थोड़े बहुत काम भी आए दोस्तों तो बहुत दिन तक नहीं चले, बंद हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए, शक होगा दोस्तों कि मुखिया की जो कमाई है मंथली है 2500 रुपया महीना है। भाई 2500 रुपया महीना में कोई भी 5 साल में कितना कमाएगा? कोई पैसा खास नहीं कमा सकता है। लेकिन जो फंड आता है, जो काम आता है, इसे मान लीजिए सामुदायिक भवन हो, पंचायत भवन हो, यात्री शेड हो दोस्तों, बगल में मान लीजिए कुआं हो, तालाब हो, नहर हो, नली गली हो दोस्तों, कोई भी काम आता है मुखिया के ही अधिकार में आता है ज़्यादा मात्रा में। अभी तक मुखिया ही विराजमान है, सभी पदों के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने आपको बता दूं, जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है जनवरी महीने में हो जाएगी दोस्तों आपका। उसके बाद दोस्तों आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लाखों करोड़ रुपये जो है कमाई कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।